नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर में। एसएससी जीडी कांस्टेबल के मेडिकल डेट और मेडिकल कट ऑफ को लेकर कंप्लीट अपडेट आ चुकी है। अभी देखिए दोस्तों, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों का 1 या 2 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा एसएससी जीडी कांस्टेबल के मेडिकल को लेकर, क्योंकि मेडिकल की डेट लगभग कन्फर्म हो चुकी है, मेडिकल की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। कैंप जो भी आप लोग के आईटीबीपी हुआ, आप लोग का सीआरपीएफ हुआ, यहाँ पर मेडिकल प्रोसेस कंडक्ट कराए जाएंगे। असम राइफल्स के सेंटर्स में भी होते हैं, वो ईस्ट इंडिया की तरफ होते हैं। बाकी जो सीआरपीएफ का है आपके यहाँ सेंटर्स, इसके बाद बीएसएफ का है, आईटीबीपी का है, इनमें जो है आप लोग के मेडिकल प्रोसेस होंगे, जिसके अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ कनेक्टिविटी होती है मेडिकल प्रोसेस को लेकर। मेडिकल के रिगार्डिंग वीडियोस आप लोग को हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग की मेडिकल कब से शुरू हो रहे हैं और आप लोग की मेडिकल की कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए, सबसे पहले बात करें मेडिकल कट ऑफ को लेकर, तो ये आप लोग का स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। जैसे इस बार देखिए, आप लोग की जो कट ऑफ रहेगी ये स्टेट वाइज रहेगी, और फिर इसके बाद बॉर्डर एरिया की कट ऑफ रहेगी, और कुछ जगह जो है नक्सल एरिया की कट ऑफ होती है। जहाँ पर नक्सल एरिया, वहाँ से नक्सल एरिया की कट ऑफ भी देखने को मिलती है। तो अभी देखिए, अगर मेल फीमेल की बात करें कि मेल की कट ऑफ क्या जा सकती है, फीमेल की कट ऑफ क्या जा सकती है, सबसे पहले मैप को जो है ओपन ही कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यानी इस एरिया की बात करें, तो यहाँ पर जो है कट ऑफ पिछली बार भी ज़्यादा देखने को मिली थी, और हर बार जो है यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलती है इस एरिया के अंदर। और आप लोगों ने देख भी लिया होगा, यहाँ पर हायर कट ऑफ गई है। अगर बात करें एसएससी जीडी कांस्टेबल की कट ऑफ को लेकर, तो इस एरिया में जो है हायर कट ऑफ गई है। तो इन 5 स्टेटों को अगर हम अलग कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, कैंडिडेट काफ़ी होते हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, और इस कारण से जो है कट ऑफ जो थोड़ा बहुत हायर देखने को मिलती है। वहीं बात करें गुजरात की, या फिर छत्तीसगढ़ की, या ईस्ट स्टेट की, या फिर जम्मू की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, तो यहाँ पर जो है काफ़ी कम कैंडिडेट जो है पेपर तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स दे लेते हैं, लेकिन जो फिजिकल देने जाते हैं या फिर मेडिकल देने जाते हैं काफ़ी ज़्यादा कम बन जाते हैं, इस कारण से कट ऑफ भी काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो अभी मैं देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ की बात करूँगा, ये बाकी स्टेट को बात करूँगा, जो बाकी आप लोग के बचे हुए स्टेट हैं, यहाँ पर जो कट ऑफ है जो हायर देखने को मिलेगी, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कट ऑफ मैं आप लोगों को बताऊँगा। मेल की बात करें, अगर किसी राज्य के अंदर मेल की 50 पर जो है कट ऑफ गई है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग की जो कट ऑफ है मेल या फीमेल की, तो 3 से 4 नंबर आप लोग के प्लस हैं, तो ही आप लोग पॉजिटिव रहिएगा मेडिकल की कट ऑफ को लेकर। क्योंकि देखिए कॉम्पिटिशन हायर है, कट ऑफ कम गया है, तो यहाँ पर रेशो ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर मान के चलिए किसी स्टेट के 80 कट ऑफ हुई है, तो वहाँ पर जो है 2 नंबर से काम चल जाएगा, वहाँ 82 जो है मैक्सिमम स्कोर होता है, क्योंकि वहाँ पर एक ही स्कोर पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स होते हैं। बल्कि जहाँ कट ऑफ कम जाती है, वहाँ पर 51 पर कोई कैंडिडेट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर 50 से 100 के बीच में कैंडिडेट्स जो हैं डिवाइड होते हैं। इस कारण से कट ऑफ जो है 3 से 4 नंबर इंक्रीज देखने को मिल सकती है, वैकेंसीज़ कम है, कैंडिडेट कम है इस कारण से। फिर बात करते हैं हम आप आगे की फीमेल कैंडिडेट की। अगर किसी राज्य में फीमेल की जो है 40 पर कट ऑफ गई है, तो उस राज्य में जो कट ऑफ है उसमें 2 से 3 नंबर प्लस आप लोग कीजिएगा, तभी आप लोगों को जो है पॉजिटिव हो सकते हैं। और किसी में आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग के और मेडिकल फिजिकल क्वालिफाई पे हैं, तो आप लोगों को नंबर आ जाएगा। देखिए, फिजिकल की कट ऑफ जो है आप लोग की 12 गुना कैंडिडेट्स में होती है, और जो मेडिकल की कट ऑफ रहती है ये मल्टीपल बाय 3 में रहती है, तो इस कारण से कट ऑफ जो है ऑलरेडी हायर देखने को ही मिलती है। और अभी देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं मेडिकल की कट ऑफ और फिजिकल की कट ऑफ में अंतर को लेकर, तो आप लोग पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं, वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है मैंने कि फिजिकल के और मेडिकल कट ऑफ में कितना अंतर है। परसेंटेज से भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं जो मेडिकल में एबसेंट रहते हैं, काफ़ी जो हैं मेडिकल में फिजिकल में माफ़ कीजिएगा फिजिकल में एबसेंट रहते हैं, फिजिकल में फेल होते हैं, और उसके बाद जो है मेडिकल की कट ऑफ बनती है। जो ये मेडिकल की कट ऑफ रहेगी, ये आप लोग की फाइनल कट ऑफ देखने को मिल सकती है कुछ स्टेटों की, क्योंकि मेडिकल में काफ़ी कैंडिडेट्स रहते होते हैं जो रिजेक्टेड हो जाते हैं। तो इस बार जो है आप लोग के मेडिकल के अंदर जो री मेडिकल का टाइमिंग है वो भी कम देखने को मिलने वाला है। पिछली बार जो है कोविड के कारण काफ़ी समय मिल गया था, और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है री मेडिकल में पास हो गए थे, इस बार ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। फायर चांस रहेगा कि आप लोग मेडिकली क्वालिफाई हैं या नॉट क्वालिफाइड हैं, तो ये आप लोगों का देखने को मिलेगा। तो ये हुई आप लोग की मेडिकल की और आप लोग की फीमेल की कट ऑफ की। नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया में जो है कट ऑफ थोड़ा कम देखने को मिलेगी, वहाँ पर भी इस तरीके से ही होता है कि जहाँ पर कैंडिडेट्स जो है कैंडिडेट्स की मात्रा कम रहेगी और जो है कंपटीशन काफ़ी कम रहेगा, तो वहाँ पर कट ऑफ भी काफ़ी कम इंक्रीज देखने को मिलेगी।
तो ये आप लोगों को मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर मैंने आप लोगों को मेडिकल की कट ऑफ के रिगार्डिंग आप लोगों को अपडेट दे दी है। मेडिकल कट ऑफ क्या रहेगी मेल और फीमेल को लेकर, इसके बाद नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया को लेकर। बाकी बात करें अगर हम कुछ 5 स्टेटों की जो मैंने आप लोगों को बोला था उन स्टेटों की बात करें, तो यहाँ पर जो है आप लोग को 4 से 5 नंबर का गैप देखने को 100% मिलेगा। यहाँ पर कट ऑफ जो है काफ़ी हायर देखने को मिलेगी। पिछली बार भी अगर इन स्टेट्स की बात करें तो 87 तक भी कट ऑफ गई थी। फाइनल की बात करें 87.88 आप लोगों की कट ऑफ बनी थी फाइनली जो कैंडिडेट्स की बनी थी पंजाब हरियाणा के अंदर। उसी तरीके से राजस्थान के अंदर कट ऑफ भी हायर देखने को मिली थी। और इसके बाद बात करते हैं हम आप लोग की मेडिकल की डेट को लेकर। तो देखिए दोस्तों मेडिकल की जो डेट बात करें कि मेडिकल आप लोग कब से शुरू होंगे, तो कंफर्म न्यूज़ है मेडिकल जो है आप लोग 15 अगस्त के बाद शुरू हो रहे हैं। 16 को भी मेडिकल प्रोसेस कंडक्ट कराया जा सकता है, लेकिन 16, 17 और 18 आप लोग 3 डेट रख लीजिएगा। इन 3 डेटों में किसी न किसी दिन आप लोग का किसी न किसी कैंडिडेट्स का मेडिकल देखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि देखिए एडमिट कार्ड आएंगे, जो आप लोग के एडमिट कार्ड की डेट रहेगी वो आप लोग अगस्त के फर्स्ट वीक से आप लोग एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं हम आप लोग रिजल्ट की, रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है। देखिए दोस्तों रिजल्ट है उसके लिए आप लोग को रिजल्ट को अभी 2 से 3 दिन आप लोग को इंतजार करना होगा। इन 3 दिनों में आप लोग को रिजल्ट के रिगार्डिंग अपडेट ज़रूर देखने को मिल जाएगी। इसी वीक के अंदर अंदर आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा SSC GD के मेडिकल को लेकर, क्योंकि उसके बाद जो है आप लोग के एडमिट कार्ड भी जारी करने हैं तो उसमें थोड़ा बहुत प्रोसेस लगता है। और 15 अगस्त के बाद कंफर्म है कि आप लोग के मेडिकल प्रोसेस शुरू हो रहे हैं। तो ये अपडेट थी आप लोगों को बताने के लिए SSC GD कॉन्स्टेबल के मेडिकल प्रोसेस, मेडिकल डेट, कट ऑफ की रिगार्डिंग। और बाकी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की ऑफिशियल नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहें।